1 लाख रुपए की लूट हुसैनगंज थाना क्षेत्र में सौली में। आइए देखते हैं क्या रिपोर्ट है। कैसे क्या घटना घटी इसके बारे में जानकारी। आज मैं अपने स्टाफ को, मैं अरंडा, मैं CSP इंचार्ज हूँ स्टेट बैंक का, CSP चलाता हूँ अरंडा में, अरंडा असेंबली का रिपोर्ट है। स्टाफ को मैं 1,23,000 का चेक काट के दिया कैश लाने के लिए। बैंक ब्रांच हम लोग का जो है CSP ब्रांच जो है वहाँ गोपालपुर में है स्टेट बैंक का। ये लोग वहाँ से ले करके चले पैसा, तो यहाँ ताज है चिमनी के पास, यहाँ ग्रिड है एक ये बनाने वाला, इसी सामने पे तो पैसा छीना के 1,23,000 रुपया, जैसा कि वो लोग स्टाफ लोग बता रहे हैं। जबकि एक पुलिस जो है, ये हसनपुरा पुलिस जो है वहाँ पर अपने हसनपुरा के बॉर्डर पे खड़ी है चेक पोस्ट पर, और हुसैनगंज थाना भी इधर में पेट्रोलिंग में है। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पिस्तलधारी कैसे अंदर आ गए। ये लगभग 2 बजे का। आपके स्टाफ में कई लोग थे? हमारे 2 स्टाफ थे, एक जो है एक स्टाफ अनिल कुमार यादव है जो करीला घर है, और दूसरा स्टाफ जो है हसनपुरे के ही है, हमारे ड्राइवर है मनोज कुमार राम। आपका CSP अरंडा में है? हाँ, अरंडा में। दोनों आदमी पैसा लेके आ रहे थे, वो लोग बता रहे हैं कि ऐसा घटना घट गया। क्या कहेंगे सर, लगातार यहाँ सड़क पे इसी स्थान पे घटनाएं घट रही हैं, क्या अब इसके लिए क्या कहेंगे? अब इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि आप थोड़ा सही व्यवहार करो और पुलिस को तैनात करो, लेकिन इतना तैनात के बाद जो छिन गया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं कहूँगा कि इसको जाँच किया जाए, फिर क्या है सही है, कौन लोग हैं। प्रशासन से सर क्या कुछ आपकी मांग रहेगी सर? प्रशासन से तो हर एक आदमी का डिमांड यही है कि अभी तो आए दिन मैं सुन रहा हूँ, 2-4 दिन पहले भी कई जगह लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अपना और सख्ती से लोगों का ये करे, हिफाजत करे। ओके सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। CSP आप ही का है? हाँ, CSP मेरा ही है। किस कंपनी? स्टेट बैंक का है, स्टेट बैंक का CSP है, वेदाबाग कंपनी है। ओके सर।